तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि पटवारी के जो है छत्तीसगढ़ में 1067 पदों पर जो है भर्ती होगा। जी हाँ, पटवारी के 1067 पोस्ट हैं। जो भी स्टूडेंट जो पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी बनने का, जिनका भी पटवारी बनने का ड्रीम्स है, पटवारी बनने का सपना है, पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो 21,000 रुपये आपको प्रति माह जो है सैलरी मिलेगा। और 21,000 रुपये जो है सैलरी कम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा सैलरी होता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की तो 12th पास आउट होना चाहिए और कम से कम आपका 1 ईयर्स का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। अगर आपका 12th पास आउट हो चुका है, 12वीं पास हो चुका है, इसके साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया या फिर आपने DC किया या फिर आपने PGDC किया या फिर आपने BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, आप जो है छत्तीसगढ़ में पटवारी के 1067 पोस्ट में एलिजिबल हो। आप आराम से आवेदन कर सकते हो। डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड जो है हो पाएगा। तो तैयारी पर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम में पटवारी के 1067 पदों पर भर्ती होगा। एक एक पोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग भी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला पाएँ। और तैयारी अच्छे से होगा, मेहनत अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। तो बेहतर रिज़ल्ट के लिए मेहनत कीजिए। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर ना है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।